हेलो फ्रेंड, फन फॉर यूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फन फॉर यूथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ लाभ हानि प्रतिशत के बारे में, कैसे उसको शॉर्टली ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को। तो जैसे कि क्वेश्चन को दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एक घोड़े को 10,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकता। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं सूत्र, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर ये, अब विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, बटा 100। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले को नहीं यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्रय मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, घोड़े को 10,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें क्रय मूल ज्ञात करना है, तो इस क्रय मूल के सूत्र के आधार पर इसको हम सॉल्व कर आंसर ला सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें शॉर्टली ट्रिक बनाना है। ठीक है, तो आइए जैसे कि बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घोड़े को 10,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 10,000 रुपये में बेचने पर। एक और चीज़, क्रय मूल बराबर सौ प्रतिशत, ये कभी ना भूलें। ठीक है, क्रय मूल बराबर 100% कभी ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें कि घोड़े को 10,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 10,000 अमाउंट लीजिए, ठीक है, गुणा का चिन्ह दीजिए, 25%, ठीक है, 25% यानी 100 प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर लाभ पूछा जा रहा है, लाभ होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 25 बटा का चिन्ह दीजिए, 125, ठीक है, 125 ये हो गया। और फिर आ गया ये, यदि उससे 40% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, 40% लाभ पर, यानी 100 प्लस 40 यानी 140। ठीक है, 140। दोस्तों, आपसे एक बात करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए, अब इसको हो गया 10,000 रुपये विक्रय मूल्य गुणे 25% लाभ, 125, 100 प्लस 25 125, 40% 100 प्लस 40 140 हो गया। अब इसको आप काटिए, 25 25 ये हो गया 125, ठीक है, और ये आपको हो गया 25 चौका 100, 00, 25 में 400 से गुणा करने पर 10,000। ठीक है, ये हो गया आपको 28 25 140। ठीक है, तो यहाँ पर 2800 और 400 बच रहे हैं, बाकी सब कट हो चुके हैं। ठीक है, तो 2800 और 400 को गुणा करने पर यहाँ पर टोटल हमारा आएगा 8 0 0 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल आपको आएगा 11,200। ठीक है, 11,200 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्रय मूल हो गया 11,200। तो दोस्तों,
इस तरह से शॉर्टली ट्रिक के द्वारा आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो देखने के बाद में कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, ताकि हम फिर एक नया वीडियो आपकी आपको देते रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।